हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्यू एन ए वीडियो। गाइस, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिए ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है आप लोगों के क्लियर हो सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इशिता पूछ रही है, सर क्या आज मॉक टेस्ट नहीं है? जी हाँ बिल्कुल गाइस, आप लोगों को केवल एक मॉक टेस्ट अटेंड करना है, ठीक है। पहले इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि दोनों मॉक टेस्ट अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस कि आप लोगों को केवल एक मॉक टेस्ट अटेंड करना है। अगर आप एक अटेंड कर चुके हो और आप दूसरा अटेंड करने की कोशिश करोगे तो वहाँ ऑलरेडी सबमिटेड देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप दोबारा अटेंड नहीं कर पाओगे, एक ही बार आप लोगों को अटेंड करना है। तो आप लोगों को जो लॉगिन का प्रोसेस है, पैटर्न और कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिल गई होगी गाइस। यही मोटिव था इस मॉक टेस्ट को कंडक्ट करने का, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप जो है इसके इंटरफेस से फैमिलियर हो गए होगे, यूज टू हो गए होगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू गाइस, विदित शर्मा पूछ रहे हैं, भैया जब तक हम किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे तब तक रहेगा या अपने से स्किप हो जाएगा? जी नहीं गाइस, जब तक आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप अपने से नहीं करोगे या फिर उस क्वेश्चन को आंसर जब तक नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन जो है स्किप नहीं होगा। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसमें ये बस बताया गया है गाइस कि आप जो है एक क्वेश्चन को, चाहे कितना भी समय लो एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, लेकिन केवल आप एक ही बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आप दोबारा सोचोगे, जैसे आप मान लो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, ठीक है, आप सोचोगे यार कि मुझे उस क्वेश्चन को फिर से रिविजिट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी आप जितना भी एक क्वेश्चन के लिए समय देना चाहते हो आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपने आप स्किप नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस, जयप्रकाश पूछ रहे हैं, NSS सर्टिफिकेट लगाने पर कितना नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा? देखिए गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से नंबर में तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको केवल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, थ्रू NSS, ठीक है। NSS सर्टिफिकेट है आपके पास तो थोड़ा सा रिजर्वेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यार नंबर में तो इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है बाय द वे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ठीक है। अगर जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको किसी और वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ऑल्दो NSS सर्टिफिकेट से UPSC का एग्ज़ाम जब आप देते हो तो नंबर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, ये मुझे पता है, लेकिन यार इसमें नहीं पता कि आप लोगों का होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर होता है तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, सोमू मराबी और बहुत से स्टूडेंट्स ने सेम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा है, ठीक है। सर UG मॉक टेस्ट इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आया था, तो क्या एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए गाइस, सिस्टम एनालिस्ट से मेरी बात हुई थी जब मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप पहले भी मेरे से पूछे थे कि मीडियम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्या हो सकता है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था गाइस कि मीडियम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब हिंग्लिश हो सकता है, ठीक है, बायलिंगुअल हो सकता है। ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरी बात हुई थी सिस्टम एनालिस्ट सर से, तो उन्होंने बोला कि UG वालों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है रूरल एरिया से भी बिलोंग करते हैं, तो हिंदी मीडियम भी रहेगा, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बायलिंगुअल होगा, ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है गाइस कि आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो केवल इंग्लिश में आएगा, केवल हिंदी में आएगा या बायलिंगुअल होगा, ठीक है। तो यहाँ अभी भी सस्पेंशन है, ठीक है, आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में ही पता चलेगा कि क्या रहेगा आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का मीडियम। क्वेश्चन नंबर फाइव, संद्रा आर पूछ रही है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर सब्जेक्ट वाइज इन BEd? तो देखिए गाइस, आप लोगों को BEd का कैटेगरी वाइज सीट जानने के लिए आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो देखना होगा जो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कितने सीट है सभी PG कोर्सेस में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो गाइस, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, ठीक है। जितने भी डेडिकेटेड वीडियो हैं PG कोर्सेस के लिए, एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है उसके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके जितने भी वीडियोज हैं आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है आप सीट चेक कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा उन वीडियो को, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि PG का मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा? देखिए गाइस, इसका मेरिट लिस्ट आप मान सकते हो कि विद इन 5 to 6 डेज रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को
पाँच से छः दिन वेट करने होंगे, उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।